आज मैं आ गया हूँ वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल जिगोरा में। ये इसका एंट्रेंस है, तो अभी अंदर चलते हैं। अंदर आने के बाद उस तरफ इनका सिटिंग एरिया है और इस साइड इनका रिसेप्शन है। लोग चेक इन कर रहे हैं और मैं भी आगे क्यू में खड़ा हो गया हूँ, तो पहले चेक इन करते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ इनकी लॉबी में क्योंकि उन्होंने मुझे 5 to 10 minutes वेट करने को बोला। इनकी लॉबी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन ठीक है। मैंने चेक इन कर लिया है और अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे जो रूम मिला है वो 28th floor पे है। तो अब चलते हैं और फिर चल के आप लोगों को रूम दिखाते हैं। तो लिफ्ट से जब आप उतरोगे तो इनके एक फ्लोर पे 8 rooms है, 4 इस तरफ और 4 उस तरफ। ये इनका लिफ्ट एरिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ और दिखाता हूँ। ये देखो 2 rooms इस साइड है और फिर 2 rooms इस साइड है, सेम उधर भी है। मैंने 1-bedroom suite बुक किया है और मेरा रूम नंबर है 2802 और अभी मैं हूँ ठीक मेरे रूम के बाहर और अब अंदर चलता हूँ। ये रहा मेरा रूम सर और ये देखो सामने हॉल। यहाँ मिरर लगा, स्टडी डेस्क, सोफा, टीवी। यहाँ से व्यू देखते हैं क्या है, और बुर्ज खलीफा दिख रहा है और फिर इस तरफ है बेडरूम। ये देखो बेडरूम से व्यू देखते हैं इस तरफ, यहाँ से डायरेक्ट व्यू है बुर्ज खलीफा का। और फिर इधर भी कर्टन्स लगे हैं, इधर से व्यू देखते हैं। और ये देखो ये व्यू है, ये नीचे का व्यू है। वहाँ से निकलने के बाद ये रहा वॉशरूम, बाथटब, शावर, मिरर। और फिर यहाँ से निकल के ये किचन है, देखो किचन, कुछ रखा हुआ है, सब खा लिया। और किचन से भी शाम हो गई है और मैं डिनर करने के लिए नीचे जा रहा था, तो सोचा एक बार इसके स्विमिंग पूल एरिया से होकर चलता हूँ। और ये देखो अभी जो व्यू दिख रहा है स्विमिंग पूल से। मैंने डिनर कर लिया और ऐसे ही वॉक कर रहा था, अपने होटल के सामने ही हूँ। आज का कुछ खास प्लान था नहीं, तो अब होटल चल के रेस्ट करेंगे और आप लोगों से कल सुबह मिलता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं आ गया हूँ अपने होटल के स्विमिंग पूल एरिया में। 8 बजे इनका स्विमिंग पूल चालू होता है, मैं सबसे पहले यहीं आ गया ताकि कम भीड़ रहे। और ये देखो पीछे मेरे व्यू, बुर्ज खलीफा दिख रहा होगा आप लोगों को। वैसे स्विमिंग मुझे आती नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा स्विमिंग पूल में चिल करेंगे, काफ़ी मज़ा आ रहा। तो चलिए फटाफट से स्विमिंग पूल में चलते हैं और थोड़े फोटो वीडियोज़ लेते हैं और चिल करते हैं, फिर दिखाऊंगा और मेरे होटल में क्या क्या है। अच्छा तो 4-star होटल है, सारी फैसिलिटीज दी है, देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। अभी सुबह हो चुकी है और मैं आ गया हूँ अपने होटल के स्विमिंग पूल एरिया में। 12th floor पे है इनका स्विमिंग पूल। ये देखो इधर इस तरफ, यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, ये जिवोरा कार म्यूज़ियम, और हमें अब उस तरफ जाना है। एक्चुअली इन्होंने 2 buildings को ऐसे अटैच कर दिया, तो जो सामने वाली बिल्डिंग है वो वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल की है और बाकी स्विमिंग पूल, जिम, कार पार्किंग ये सब कुछ इनकी पीछे वाली बिल्डिंग में है। और ये देखो इस तरफ व्यू है फ्यूचर म्यूज़ियम का। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। कल शाम को भी मैं आया था बट उस टाइम मैं आप लोगों को व्यू नहीं दिखा पाता, तो इसीलिए मैंने नहीं शूट किया। अब भी अच्छे से दिखाएंगे। तो अब यहाँ से हमें नीचे उतरना, कुछ स्टेयर्स बने हुए ये देखो, और फिर इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका मेंस के लिए जिम है। अंदर चलते हैं, ये अभी ओपन नहीं हुआ। और फिर यहाँ से फीमेल हेल्थ क्लब, लेडीज़ लोगों का जिम है। ये एरिया इन्होंने बंद रखा है। और फिर इस तरफ से यहाँ से स्विमिंग पूल जाने का रास्ता है, कुछ नोटिस लगा रखा है इन्होंने, देखो
तो अब अंदर चलते हैं। वैसे तो मैं कल शाम को भी यहाँ आया था और उस टाइम भी बहुत प्यारा व्यू था, और अभी सुबह ये देखो ये व्यू है, उस साइड चार है, बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है, और फिर इधर इस तरह यहाँ पे टॉल्स रखे हुए हैं और ये अम्ब्रेलास, सिटिंग एरिया भी काफ़ी है, दो कम हाइट के पुल हैं बच्चों के लिए, और फिर इधर आगे जाके अगर आप देखोगे ये टिंडर कोकोनट्स आप ले सकते हो, सिटिंग एरिया की कोई कमी नहीं है, ये इनका लॉन्च भी है, शीशा वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ इस तरफ फ्यूचर म्यूज़ियम का व्यू है, तो काफ़ी प्यारा व्यू है और एकदम ओपन है तो अच्छा लग रहा है। अभी मैं स्विमिंग पूल से वापस आ गया हूँ, तो अभी जल्दी से रेडी होके चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, अभी चलते हैं इसके रेस्टोरेंट में और चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ जो आप ये क्यू देख रहे हैं, ये सारे लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए खड़े हैं, मैं भी क्यू में खड़ा हूँ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है किस टाइम पे कितना ट्रैफिक होता है। तो ये है इनका ब्रेकफास्ट, पोटैटो कटलेट, ये मीट का कुछ है, चिकन सॉसेज रोल, केचप, ये बेक्ड बीन्स हैं, यहाँ पे है ग्रिल टोमेटोज, यहाँ चना मसाला, फिर आगे पराठा है, यहाँ पे मशरूम रखे हुए हैं, बॉइल्ड एग, इधर चिकन सॉसेज, और फिर बीफ बैकन, और यहाँ पे है ऑलिव ऑयल, विनेगर, कॉर्न है, ब्रोकली, कुकम्बर, टोमेटोज, और भी कुछ कुछ है, हुम्मस तो पता नहीं, ड्रेसिंग के लिए ही है, और फिर आगे यहाँ पे रखे हुए हैं फ्रेश फ्रूट्स, देखो सब कुछ है, ये लीची है, क्रैनबेरी, वाटरमेलन, और यहाँ पे है कॉर्नफ्लेक्स चोकोस, और फिर यहाँ पे है ब्रेड, हनी जैम, बटर, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड दोनों हैं, और फिर आगे कुछ डेजर्ट्स रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट केक, मफिन्स वगैरह, और यहाँ पे टोस्टर है। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं आ गया हूँ अपने होटल से बाहर, ये देखो पीछे मेरा होटल है, और अब ऐसे ही सेगजिया रोड पे घूम रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारे गेस्ट रुके हुए हैं, तो बहुत भीड़ थी। आज डेजर्ट सफारी का प्लान है, बट उसमें टाइम है, अभी 4 बजे जाना है, तो तब तक सोचा होटल में क्या करेंगे, तो बाहर निकल के थोड़ा शहर देखते हैं। तो अभी दूसरी सुबह हो चुकी है दुबई में, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मैं अपने होटल के बाहर ही खड़ा हूँ, सोचा सबसे पहले चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और फिर आज भी साइट सीइंग का प्लान है तो चलेंगे। सो ये देखो अर्ली मॉर्निंग आने का फ़ायदा, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है अभी यहाँ पे, आज थोड़ा भी वेट नहीं करना पड़ा और सीधे अंदर आ गए, तो अभी चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी चलते हैं इसके HC फ्लोर पे, जहाँ इनका हाई व्यू लॉन्च और स्पा है, टोटल 71 फ्लोर है, और उसके ऊपर सबसे लास्ट फ्लोर है इनका HC, और ये इनकी दूसरी लिफ्ट है, ये देखो ये 41 फ्लोर से ऊपर के लिए है, और बाकी 41 फ्लोर से नीचे के लिए दो लिफ्ट अलग हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ इनके हाईएस्ट व्यू लॉन्च रेस्टोरेंट में, तो चल के देखते हैं कि कैसा है। तो हमें इधर से जाना है उन्होंने बताया, बट अभी ये बंद है, तो मैं ऊपर जाके तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, बट आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये इनका स्पा है, इसमें भी चलेंगे बट पहले इधर चलते हैं, ये सामने इसी गेट से ऊपर जाना है लॉन्च के लिए, और यहाँ पे दोनों साइड वॉशरूम है। तो ये इनका स्पा है, अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से, अंदर बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, ये देखो सब कुछ इन्होंने रख दिया अच्छे से अरेंज करके, लोग ऑलरेडी स्पा ले रहे हैं, इधर इनका वॉशरूम है। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, अभी मैं नीचे जा रहा था तो सोचा स्विमिंग पूल एरिया से होके चलता हूँ, और अभी स्विमिंग पूल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है,
तो अगर किसी को भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब कुछ लेने हैं तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग ही आना। ये देखो कितनी भीड़ है। तो अब चलते हैं। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ जीवोरा होटल के रिसेप्शन में। मेरा 2 दिन का स्टे था यहाँ, पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, दूसरी जगह चेक इन करेंगे और फिर वहाँ दिखाता हूँ कि वो होटल कैसा है। ये होटल काफ़ी अच्छा था, यहाँ काफ़ी मज़ा आया, एकदम स्मूथ स्टे था एंड एन्जॉयड अ लॉट। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, और फिर अब चलते हैं यहाँ से और दूसरी जगह चेक इन करते हैं।